थैंक्स फॉर दैट कि आपके पास ये रह जाएगा, अदरवाइज वो मिस हो जाता। कोई बात नहीं, मैं एक बार रिटेक कर देता हूँ। तो अभी ये बेसिक मैंने रिवाइज किया था एंड ये दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग। लेट्स से M1 मूव्स डाउन विद एक्सेलरेशन A1, M2 मूव्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A2। पहला क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि A1 और A2 में क्या रिलेशन होने वाला है? ऑप्शन वन हमारे पास ये है, ऑप्शन टू हमारे पास ये है। केवल दो ही ऑप्शन थे आपको, मल्टीपल ऑप्शन नहीं, आपका ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। क्या दोनों के एक्सेलरेशंस डेफिनेटली इक्वल होंगे या फिर दोनों के एक्सेलरेशन डेफिनेटली इक्वल नहीं होंगे? तीसरा भी हो सकता है, मे बी वाला। तो हम लोग डेफिनेट केस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन टू। सो एटलीस्ट हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि इक्वल कहने के लिए हमारे पास कोई लॉजिक यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो अनइक्वल होंगे तो फिर अपने को उनमें रिलेशन जानना जरूरी है। तो जब कभी हमारे पास मल्टीपल पुलीज आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स बनेंगे, तो अपार्ट फ्रॉम ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम, राइटिंग ऑल द फोर्सेज एंड यूजिंग F=ma, you will require one more relation which must connect M1 and M2, A1 and A2. A1 और A2 को connect करने वाला चाहिए। तो उस पर हम लोग भी shortly आएंगे, पहले जितना जानते हैं उसको करते हैं। So whatever we know is this, उसको हम लोग यहाँ पर use कर लेते हैं। So इसका FBD बनाओगे, M1 नीचे जाएगा और tension ऊपर जाएगा, इसका tension इधर जाएगा, बाकी इसका M2 नीचे होगा, normal relation ऊपर होगा। ये free body diagrams मैंने बनाए दो blocks के। तो इनके नाम दिया जाए तो ये M1 जी होता है और ये टेंशन होगा। लेट से ये जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है उसका टेंशन T है, तो यहाँ पर BT हो जाएगा और इसका वेट M2G होगा और इसका नॉर्मल रिलेशन कुछ N2 मान सकते हो या N मान सकते हो। नाउ यू नो कि अगर हम इसको T- बोलते हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग अलग है ना, तो क्या बता सकते हो T- की वैल्यू T के टर्म में लिखी जा सकती है? अगर लिखी जा सकती है तो कितनी रहेगी? So what will be the value of T- in terms of T? The T is the tension on this bigger string. तो इसको हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं और अगर आप रिलेट कर पाओगे तो बेटर रहेगा। नहीं कर पाते हो तो फिर अपने को कैसे रिकॉल करना होगा? आप इस पुली को हाईलाइट करके देखो। जब इस पुली को देखोगे तो इधर T से कोई पुल कर रहा है, इधर भी T से पुल कर रहा है, तो नीचे वाला इसको 2T से पुल करेगा। गुड। सो इसका मतलब है सिंस वो कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है कि इसके टेंशन को ये टेंशन बैलेंस कर रहा होगा, ये पुली मास लेस है। तो पुली के FBD से अपने को पता चल जाएगा कि जो T- है इट मस्ट बी इक्वल टू 2T। गुड। सो अब आपको पुली का भी FBD बनाना आता है, तो हम लोग न्यूटन की इक्वेशन M1 ब्लॉक के लिए लिखेंगे। सो यू विल फाइंड कि न्यूटन की इक्वेशन बनेगी अपने पास M1G माइनस ट्वाइस T इज इक्वल टू M1A1। That will be the equation number one. Then you read FBD of the block M2. So उसके लिए net force in the horizontal direction is T और net acceleration is A2. So M2 A2 हो जाएगी। ये equation number two है। आप पाओगे कि हमारे पास ये दो equation है और हमारे पास unknowns की population ज़्यादा है। Unknowns के नाम पर एक T है और दूसरा A2 है और तीसरा A1 है। नाउ मैथ्स का रूल होता है कि जितने अननोन्स होते हैं एटलीस्ट उतनी इक्वेशन अपने को लगती है। सो सिंस वी हैव 3 अननोन्स, वी मस्ट हैव 3 इक्वेशंस एंड वी गॉट 2 इक्वेशंस एज पर दिस नॉलेज, एयर नॉलेज अभी तक जितना अपने पास है। तो थर्ड इक्वेशन कैसे बनाना होता है वो अपने को फोकस करना है। थर्ड इक्वेशन को लर्न करना चाहते हैं एंड थर्ड इक्वेशन इज गोइंग टू बी द रिलेशन बिटवीन A and B। इससे पहले भी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे ना, उस पर भी हमको A1 और A2 में रिलेशन की जरूरत पड़ती थी, बट होता क्या था कि वहां पर बहुत ऑब्वियस था, तो हम क्लेम कर पाते थे कि A1 और A2 बराबर है। अगर वो इक्वल होते थे तो अपने को एक इक्वेशन वहां से मिल जाती थी, A1 = A2, और फिर ये सॉल्व हो जाता था। अब यहाँ पर जितना भी ज्यादा पुलिस आएंगे उतना फिर इनका कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब ये कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग समझेंगे। तो इसको एक मिनट के लिए अगर हम पॉज कर देते हैं और कंस्ट्रेंट रिलेशन को समझ लेंगे तो फिर इसकी इक्वेशन बन जाएगी, फिर तीसरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले अपना कॉमन सेंस से पता करने की कोशिश करें कि A1 और A2 में क्या रिलेशन चल रहा होगा।
तो कोई बता सकता है कि A1 और A2 में क्या रिलेशन चल रहा होगा? वो बराबर नहीं है, अपने को समझता है व्हाट शुड बी इन व्हाट फैशन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो आप उसको जब दिमाग लगाओगे तो आपको काफी लोड लगेगा और शायद ही आप आंसर तक पहुंच पाओगे. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, उन वेज को पता करेंगे. टू टाइम्स ग्रेटर है, ओके सो कुछ आइडियाज आपका जा रहा है. और आपने एक 2a1 + a2 = 0 भी बोला है, वो भी कुछ यही बोलना चाह रहा है, टू टाइम्स का रिलेशन है. गर हाँ, सो आपका गेस और वर्क वो प्रॉपर चल रहा है, तो उसको बोलेंगे कंस्टेंट रिलेशन. पहले मैं आपको आइडिया शॉर्टकट बता देता हूँ कैसे वर्क करता है, फिर उसको प्रूफ कर लेंगे या फिर समझ लेंगे. सो थर्ड इक्वेशन विल बी नोन एज कंस्टेंट रिलेशन. कंस्टेंट रिलेशन का मतलब हुआ कि जिन ब्लॉक्स को हम बॉडीज को देख रहे हैं दे आर नॉट फ्री ऑल टुगेदर. दैट मीन्स मोशन ऑफ M1 एंड मोशन ऑफ M2 दे आर कनेक्टेड. सो इफ M1 विल मूव M2 हैज टू मूव एंड व्हेन M2 मूव्स M1 हैज टू मूव. दैट मीन्स M1 एंड M2 दे आर हैविंग अ कंस्टेंट बिटवीन देमसेल्व्स और उसी को अपने को निकालना है. सो हाउ इट वर्क्स, पहले आप उसका फॉर्मूला देख लीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए, फिर उसको समझते भी है. अपने को अगर शॉर्टकट यूज करना है द मोस्ट ईजिएस्ट वे, सो मोस्ट ईजिएस्ट वे इज गोइंग टू बी वेक्टर्स और उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ T.A, इसको आपको जीरो क्लेम करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी द कंस्टेंट रिलेशन और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा जहां भी स्ट्रिंग और पुलीज होंगे, स्ट्रिंग और पुलीज होंगे. सो अब क्या करोगे, समेशन, इसको आप लोग जानते होगे, इसका मतलब होता है कि T1 A1 + T2 A2 + T2 T3 A3 करना है. दैट मीन्स जितने भी ब्लॉक्स होंगे सभी ब्लॉक्स के लिए आपको टी और ए का डॉट प्रोडक्ट करना है और उन डॉट प्रोडक्ट्स को एड अप करना है. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक तो M1 है और दूसरा M2 है. तो हम M1 ब्लॉक पर लगने वाले टेंशन को देखेंगे, यानी T.A लगाएंगे फर्स्ट के लिए, फिर हम T.A अप्लाई करेंगे सेकेंड के लिए और इनको जीरो क्लेम करेंगे. नाउ टी किसका होगा, स्ट्रिंग का टेंशन होगा. ए किसका होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा या स्ट्रिंग जहां पर टाइट है उस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा. तो अपने को देखना होगा स्ट्रिंग कहां कहां पर टाइट है, जहां जहां पर वो टाइट होगा किसी पॉइंट से उन पॉइंट्स को अपने को देखना है. तो अगर आप बड़ा स्ट्रिंग को देखते हो तो बड़ा स्ट्रिंग एक तो यहाँ पर टाइट है और दूसरा यहाँ पर टाइट है. इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट हमारा मूव नहीं कर रहा है. सिंस वो फिक्स पॉइंट है तो आप पाओगे कि इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए हमने उसको लिखा भी नहीं. एक यहाँ पर टाइट है तो इसको हम 2 पकड़ रहे हैं और ये पूरा स्ट्रिंग वही है. और इसके बाद में ये पूरा एक सिस्टम टाइप का है. दूसरा एक ये टर्मिनल पॉइंट अपने को मिल रहा है जहाँ पर यहाँ पर ये, सो इसको हम 1 बोल रहे हैं. अब अपने को क्या करना है, ब्लॉक जो दिखेगा उस ब्लॉक पर टेंशन ड्रॉ करना है, एक्सेलरेशन ड्रॉ करना है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है. डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि लाइक अगर वो सेम डायरेक्शन में होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, किसी एंगल पर होते हैं, तो ए बी कॉस थीटा जैसा चलता है. तो अगर हम फर्स्ट ब्लॉक पे जाते हैं इस पर और टेंशन और ए को देखते हैं, A1 इज दिस, टी इज दिस, तो आपको समझ में आएगा कि जो टेंशन का मैग्नीट्यूड आएगा वो 2t आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आएगा वो A1 आएगा, कॉस उनके बीच का एंगल यू विल फाइंड कि एंगल 180 डिग्री जा रहा है. प्लस सेकेंड ब्लॉक पर आते हैं, इस पर देखते हैं इसका टेंशन और इसका एक्सेलरेशन. टेंशन का मैग्नीट्यूड t है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड A2 है, कॉस उनके बीच का एंगल 0 है, इक्वल टू 0. As you do this, you will find कि अपने को एक relation मिल जाएगा. यहाँ से t आप कॉमन ले सकते हो, -2a1 cos 180 -1 होता है, प्लस ये a2 cos 0 1 होता है, इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर यू विल फाइंड कि t तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो टेंशन है, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा टर्म है वो 0 हो जाएगा. तो ये क्लेम करेगा कि 2a1 की वैल्यू a2 के बराबर आनी चाहिए. दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ 2 must be
ट्वाइस ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ वन. सो ये अपने लिए थर्ड इक्वेशन बनेगी. अब हम ए वन ए टू ए थ्री इनको सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं. मैं इसको रिपीट करता हूँ और ये चीज आप एक बार फिर से समझिए. ये आपके लिए न्यू एडिशन है, पुराना ये सब पुराना था. और आपसे सिंपल एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अगर ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो फास्टर कौन सा चल रहा होगा, एम वन फास्टर चल रहा होगा या एम टू फास्टर चल रहा होगा. अगर दोनों को रिलीज करोगे तो तेज कौन दौड़ने वाला है, विच विल हैव अ हाई स्पीड और मोर एक्सेलरेशन. कैन यू आंसर, एम वन फास्टर चलेगा या फिर एम टू फास्टर चलेगा. तो आप पाओगे कि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है वो फास्ट चलेगा. और एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है, टू का. टू का एक्सेलरेशन वन के एक्सेलरेशन के डबल के बराबर है. यस, तो आप इसको अगर नीचे पुल करोगे तो ये ज्यादा आगे जाएगा, बराबर डिस्टेंसेस नहीं चलेंगे. सो एम टू विल बी फास्टर एज कम्पेयर टू एम वन, हेंस एम टू विल हैव अ मोर एक्सेलरेशन, हेंस ए टू विल बी मोर देन ए वन. सो ए टू इज बेसिकली टू टाइम्स ए वन. हम निकाल सकते हैं. ये अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ और एग्जांपल्स पे पिक करेंगे, और नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक्सप्लेन क्या करना है, समेशन टी डॉट ए इक्वल टू जीरो करना होता है. अब ये कहाँ से आता है, अभी के लिए मान लो क्योंकि ये शॉर्ट है तो इसलिए इजी रहेगा. और आपको क्या करना, फर्स्ट ब्लॉक जितने भी टर्मिनल पॉइंट्स हों सबके लिए ऐड करके इसको जीरो करना है. फिर उनका एक्सेलेरेशन देखना है, टेंशन ड्रॉ करने हैं. और जैसे ये टी डैश था तो टी डैश को भी टी के टर्म में लिखेंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा. फिर वो टी बाहर निकल के आ जाएगा, ब्रैकेट में ए वन ए टू के बीच में रिलेशन आएगा, जो भी आएगा वही इक्वेशन बन जाएगी. हाँ, आपको दिमाग में आएगा कि ये क्यों कर रहे हैं. आगे चलकर क्या पढ़ोगे कि एक फोर्स इनटू एक्सेल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को अगर हम डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते, थोड़ा सा आइडिया दे देते आपको अच्छा भी लगेगा. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, वर्क डन को बोलते हैं, ठीक है. और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ इनटू वी बन जाएगा. वी डीएक्स बाई डीटी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी. फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ इनटू ए बन जाएगा और ये डॉट होता है. तो बेसिकली ये जो एफ डॉट ए आ रहा है, एफ का मतलब यहाँ पे टी रख सकते हो क्योंकि हम लोग टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो टी डॉट ए बन जाता है. सो बेसिकली इसका ओरिजिन यहाँ से है और इसको वर्क डन कहते हैं. अगर आपने कभी पढ़ा हो नहीं तो आगे पढ़ोगे. और ये जो टेंशन फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है. अगर आप पूरा सिस्टम कंसिडर करोगे तो टेंशन आपको दिखाई नहीं देगा, टेंशन अंदर रहता है स्ट्रिंग के. तो जितने भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं ना, उनका वर्क डन जीरो होता है. अगर उनका वर्क डन जीरो है तो उनका डिफरेंशिएशन भी जीरो आएगा हमेशा. अगर डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो फिर उसका फर्दर डिफरेंशिएशन भी जीरो आएगा. और ये बेसिकली होता है क्या, इंटीग्रेशन होता है. तो इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है. तो हम ऐसा बोलते हैं कि समेशन ऑफ ऑल टी डॉट ए मस्ट बी जीरो. तो हम ऐसा भी याद रख सकते हो, समेशन ऑफ ऑल टी डॉट वी विल आल्सो बी जीरो. तो अगर कभी वेलोसिटी के टर्म में बात करें, वेलोसिटी के टर्म में, तब भी आप इसको लगा सकते हो. डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करेगा तब भी आप इसको लगा सकते हो. So, ये सभी ट्रू होते हैं. क्यों, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो होता है. तो अगर आपसे कोई लॉजिक पूछता है व्हाई दिस इज ट्रू, तो आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो कि वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेस इज जीरो और टेंशन इज इंटरनल फोर्स. अब ये वर्क डन क्या होता है, इसलिए मैं उस पर हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वर्क डन हम लोग वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अगला चैप्टर हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी पावर है, उस पर पढ़ने वाले हैं. ये कुछ का बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया. और ये जरूर नोट कर लीजिए कि साथ साथ ये भी ट्रू होते हैं जो लास्ट में यहाँ पे लिखे हैं, ये भी ट्रू होते हैं. सो वेलोसिटीज को कंपेयर कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट्स को और एक्सेलरेशंस को. जनरली हम लोग न्यूटन इक्वेशन लिख रहे होंगे तो हमको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, बट एग्जाम में वेलोसिटी भी पूछ सकता है. ऐसा आपसे पूछ सकता है कि अगर इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है तो बताइए एम टू की उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी रही होगी. अगर M1 हमारा किसी भी एक मोमेंट पर नीचे 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, सो वॉट अबाउट M2? M2 किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, क्या आप आंसर कर पाओगे? किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर M1 की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दी गई है,
तो एम टू की वेलोसिटी अपने को चाहिए, ये भी अपने आप में इक्वेशन बन गया। सो आपका आंसर आपके सामने है। आप क्या करोगे कि समेशन टी डॉट वी को लेके चलोगे, तो एक ही जगह वी आ जाएगा, एक ही जगह वी आ जाएगा, एक ही जगह वी आ जाएगा, तो ये रिलेशन हो जाएगा। तो रिलेशन हो जाएगा कि जो वी टू की वैल्यू होगी वो ए वन की ट्वाइस होगी। आंसर हो गया, पता चल गया एम टू किससे जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। सो पॉइंट इज कि ये जो शॉर्ट वे है काफी इंपॉर्टेंट है वेलोसिटीज को रिलेट करने में, एक्सेलेरेशंस को रिलेट करने में। इसी को हम लोग कंस्टेंट रिलेशन कहते हैं। सो व्हाट इज अ कंस्टेंट रिलेशन? इट इज अ रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशंस और वेलोसिटीज और पोजीशंस, जिसके जिससे हम एक एक ऑब्जेक्ट की मोशन को दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक कर पाते हैं। ओके, मैंने इसको बहुत ज्यादा कलरफुल कर दिया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ उन पॉइंट्स को। और अल्टीमेटली अपने पास जो है नोट्स के लिए वो इतना ही है, और इसी को अपने को यूज करना है। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अगर ये थर्ड इक्वेशन हो गया तो अब हम तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको तीनों को सॉल्व करके हम टेंशन बता सकते हैं, एक्सेलरेशन बता सकते हैं। तो यहाँ से अपने को क्या निकल के आएगा, टी निकल आएगा, ए वन निकल आएगा और ए टू भी निकल आएगा। फिर आपसे बोलेगा किसी का एक्सेलेरेशन बताइए, आप बता सकते हो, किसी का टेंशन बताइए वो भी बता सकते हो। सारी स्ट्रिंग का टेंशन, इसका भी टेंशन पता चल गया, इसका भी पता चल गया। दैट्स अ कंप्लीट सॉल्विंग। समर्थ आपने लिखा, कैन आई एक्सप्लेन लास्ट सेकेंड स्टेप अगेन ऑफ कंस्टेंट रिलेशन? बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको आपने यूज किया, अब आपने इसको फर्स्ट को देखा, टी की डायरेक्शन ऑब्जर्व करना है, ए की डायरेक्शन ऑब्जर्व करना है। जनरली या तो पैरेलल होंगे या तो अपोजिट होंगे, कुछ केसेस में एंगल पर भी आ सकता है, चलेगा। सो इन दोनों के बीच का एंगल 180 जा रहा है, क्योंकि ऊपर वेक्टर है और दूसरा नीचे वेक्टर है। कौन सा? टी ऊपर है, ए नीचे है, तो कॉस 180 लगाएंगे। और टी डॉट ए लगाना है इस वाले केस के लिए, तो इसका वेक्टर एक टी इधर है, ए टू इधर है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, और कॉस उनके बीच का एंगल। दोनों पैरेलल है सेम डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का भी यूज है यहाँ पर। हाँ, मैंने अभी जस्ट इसका डेरिवेशन एक्सप्लेन किया है, और आपने सुना है तो आपको समझा होगा। अभी इसके हम लोग कई सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं, और फिर कई बार एग्जाम में वो केवल कंस्टेंट रिलेशन पे क्वेश्चन पूछ लेता है। वो सिंपली आपको ए वन देगा और ए टू पूछेगा। तो जब हमको ए वन देकर के ए टू पूछ रहा है, तो ये सब करने की हमने को कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए वन ए टू का आंसर तो यहीं से आ जाएगा। जब टेंशन पूछेगा तो हम इस पे जाएंगे। आपने लिखा, रिलेशन विल बी सेम फॉर ए बी एंड एक्स। यस, तीनों के लिए सेम रहने वाला है। माइनर से चेंजेस फ्यूचर में आ सकते हैं, अभी के लिए आप उसको सेम कंसिडर करके चलोगे। और अपने पास अभी दूसरा मेथड भी आएगा, ये एक मेथड है जो कि इजियर है, जल्दी आंसर देता है। अभी दूसरा मेथड भी आएगा, उसको भी हम लोग लर्न करेंगे। तो आप कोई भी मेथड यूज करके ये आंसर निकाल सकते हो। आपने लिखा, विल कंस्ट्रेंट रिलेशन अप्लाई टू मोर देन टू ऑब्जेक्ट सिस्टम? यस, इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, चलता है। हमारे पास एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे तब भी हम यही करने वाले हैं। सो इट विल बी, अभी क्या है ना, आप ए वन ए टू में कॉमन सेंस से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन लेट से हमने 5 या 6 ब्लॉक्स दे दिए और सभी के अलग अलग एक्सेलेरेशन हुए, तो अपना कॉमन सेंस वर्क नहीं करेगा कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव आपस में कैसे लिंक होंगे। लेकिन ये छोटा सा मेथड आपको ए वन ए टू ए थ्री ए फाइव में सब में लिंक करके दे देगा। सो इट विल वर्क फॉर एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एम वन टी इज टी डैश, राइट? यस, एम वन के लिए जो टी था वो टी डैश था, तो टी डैश की वैल्यू हमने कितना रखा है, 2t। इसीलिए देखिए इसके केस में हमने 2t रखा हुआ है। वॉट मस्ट बी द कंडीशन, दे मस्ट बी कनेक्टेड, राइट? पूरा एक सिस्टम होना चाहिए, और उस सिस्टम मतलब लाइक कोई भी कितने भी स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, कितने भी कनेक्शंस हो सकते हैं, हम उस पर लगा सकते हैं। लेकिन हमारा फ्रूटफुल रिजल्ट तब आएगा, फ्रूटफुल रिजल्ट तब आएगा जब सभी में से हम टी को कॉमन ले सकें और टी को बाहर कर सकें। क्योंकि अगर हमारे में सभी सभी टेंशंस को अगर हम एक ही वैल्यू के टर्म में लिखेंगे, तभी हमको एक अच्छा सा आंसर मिलेगा।
वरना क्या मिलेगा कि एक कंबाइंड आंसर मिलेगा जिसमें हम फिर A1 A2 भी मिक्स होगा, T1 T2 भी मिक्स होगा, तो फिर वो केवल A1 A2 का रिलेशन नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, किसी एक टेंशन को एज्यूम करना है, फिर उसी टेंशन के टर्म में बाकी टेंशन को लिखना है एंड देन इसको अप्लाई करना है एंड देन रिलेशन पता कर लेना है। आपने फर्दर लिखा कि सो हियर ए वी एंड एक्स विल बी सेम डायरेक्शन। हाँ, जिस डायरेक्शन में ए होगा उसी डायरेक्शन में वी आएगा, गुड, और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसका भी उसी डायरेक्शन में वी आएगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा, बिल्कुल काइनामेटिक्स है ना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन और वो डिफरेंशिएट करके एक दूसरे से लिंक है। फर्दर यू ऑर्डर लाइक कैन यू प्लीज रीशेयर स्क्रीन, आई एम ट्राइंग। ओके, सो मैं रीशेयर भी करता हूँ, कंस्टेंट का फॉर्मली स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ एंड देन आफ्टर कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। मैं स्क्रीन अब डिस्प्ले कर रहा होगा और अभी भी नहीं कर रहा, देन यू नीड टू रिफ्रेश फ्रॉम योर एंड। कंस्ट्रेंट रिलेशन, व्हाट इज कंस्ट्रेंट रिलेशन, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। ओके, इफ इट इज विजिबल दैट्स गुड। हाँ, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इट्स अ रिलेशन जो पैरामीटर्स में काइनेमेटिक्स के, और एक ऑब्जेक्ट या सिस्टम का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट या सिस्टम से कनेक्टेड होता है, एक कंस्टेंट होता है, सो इट इज अ रिलेशन। बिटवीन एक्सेलरेशंस और वेलोसिटीज और पोजीशंस, सो आइदर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और पोजीशंस के बीच का रिलेशंस होते हैं, रिलेशन को हम लोग कंस्टेंट रिलेशन कहते हैं, दैट एक्सप्रेसेस the constraint in the motion. So, जो motion में constraint है उसको express कर पाए, ऐसे relation को हम लोग constraint relation कहते हैं, और इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है apart from Newton's laws of motion या फिर FBD बनाने के बाद, F equal to ma लगाने के बाद, फिर भी अपने को constraint समझना पड़ता है, और अगर कंस्टेंट नहीं समझेगा तो फिर अपने को आंसर तक पहुंचना मुश्किल होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें और आपको जस्ट फील दिलाने के लिए कि यस ऐसा क्यों है और कहां कहां पर हम देखते हैं, तो इसको हम लोग कई जगह देखते हैं और कई जगह हमारे लिए इतना ऑब्वियस होता है कि हम उसको बिना रियलाइज किए ही उसको हम लगा देते हैं कि यस ये कंस्टेंट के हिसाब से सही जा रहा है, और उसका नाम भी कंस्टेंट नहीं पकड़ते हैं। जैसे कि आपके पास ये दो ब्लॉक है, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है पहले भी, और लेट से कोई इसको ऐसा बोलता है कि ये वाला ब्लॉक आगे जा रहा है और ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और लेट से कि ये ब्लॉक M1 मास का है और ये M2 मास का है और ये किसी V1 वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर फर्स्ट ब्लॉक आगे V1 वेलोसिटी से जा रहा होगा किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो M2 भी मूव करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि M1 चला जाए M2 रुके, क्यों? क्योंकि दे आर कंस्ट्रेंड बाई दिस स्ट्रिंग and the string is tying the two together and the string has its own properties, ye elongate nahi hota hai, inextensible hai, to is motion mein constraint hai, aur agar m1 move kar raha hai to m2 ko isi direction mein move karna hi padega, aur agar ye v2 se ja raha hai, koi agar aapko bolta hai ki ek v1 hai dusra v2 hai, so what will be the constant relation, can we claim ki constant relation hamara v1 aur v2 ko barabar hona chahiye?
सो दैट्स द रिलेशन. ये बताएगा कि वी वन और वी टू अलग अलग नहीं हो सकते हैं. अगर वी वन की वैल्यू वी टू के बराबर नहीं है तो फिर स्ट्रिंग को ब्रेक होना पड़ेगा, स्ट्रिंग सस्टेन नहीं कर पाएगी, या फिर स्ट्रिंग को लूज होना पड़ेगा, वो टेंस नहीं रह सकती है. सो नॉर्मल कंडीशन में अपने को ये कंस्ट्रेंट मिलता है. अगर आप और डीप पे जानना चाहो कि ये क्यों आया, ठीक है, एक तो हमको कॉमन सेंस प्रैक्टिकल नॉलेज इस वजह से समझ में आता है, फीलिंग आता है, बट अगर हम मैथमेटिकली इसको प्रूफ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो फिजिक्स में कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमको पता होती हैं, मैथ से प्रूफ करते हैं और साइंस से प्रूफ करते हैं, थ्योरी से प्रूफ करते हैं, कई बार उल्टा करते हैं, लाइक कि हमको पता नहीं होता है, थ्योरी हमको बता रही होती है तो हम उसको फील करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर यह है कि लाइक वी नो अबाउट थिंग्स एंड वी वॉन्ट टू सी देम. सो उसके पीछे एक और लॉजिक हो, या जहाँ से एक नया मेथड भी डेवलप हो जाएगा अपने लिए, लेट्स से कि हम अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं कि लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ दिस, एक पिक्चर को अब इसी को अपडेट कर देते हैं कि ये किसी प्लेटफॉर्म पर है और ये ओरिजिन पॉइंट है. लेट्स ट्राई टू मेजर देयर लोकेशंस. सो अगर हम की लोकेशन मेजर करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू द पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ द सेकेंड पार्टिकल. इसको हम x1 पकड़ सकते हैं, इसको x2. बहुत सिंपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल में हम लोग वर्क कर रहे हैं. एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो l है, पार्टिकल के साइज को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, हालांकि ब्लॉक हमने काफी बड़े से दिखाए हैं, आप उनको पॉइंट पार्टिकल जैसा ट्रीट करो. सो कैन वी से कि यहाँ पर x1 बदलेगा जब पार्टिकल चलेगा, क्योंकि इसकी लोकेशन यहाँ कहीं आ जाएगी, x2 चेंज करेगा, ये ओरिजिन हमारा फिक्स्ड है क्योंकि m2 आगे पीछे जाएगा, लेकिन x1 x2 कितना भी चेंज कर ले, l चेंज नहीं करेगा, दैट मीन्स इनके बीच का गैप नहीं बदलेगा, दैट्स द कंस्ट्रेंट. तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ से कंस्ट्रेंट क्या चल रहा है, कंस्ट्रेंट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर x1 माइनस x2 की वैल्यू l के बराबर रहेगी रहेगी. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोजिशंस ऑफ द थिंग, और l कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. सो x1 changes, x2 changes, but x1 minus x2 does not change. Why? Because x2 minus x1 minus x2 is the separation between the two, that is the length of the string, string is not elongating. अगर अपने को ये समझता है, तो ये हमारे लिए constant relation हो गया position में. अब आप क्या करो, इसको differentiate कर दो with respect to time. जब आप differentiate करोगे तो ये बनेगा d upon dt, x1 minus x2 must be equal to dl upon dt. अच्छा, l कैसा है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, जीरो. फिर इसको फर्दर लिखो, जब आप इसको अलग अलग करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा dx1 by dt minus dx2 by dt is equal to zero. अच्छा, dx1 by dt क्या बताएगा, dx1 by dt होगा the rate at which this is moving, this location is changing. dx1 by dt is going to be equal to v1. सो ये अपने को बता रहा है कि v1 माइनस v2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो. दैट मीन्स यहाँ से हम प्रूव कर पा रहे हैं कि v1 और v2 आपस में बराबर होना कंपलसरी है. अगर आपको यह समझ में आया, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि v1 v2 बराबर, आपने किस कंडीशन के बेसिस पर बोला है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है, ये हमने इस बेसिस पर बोला है कि एल को कॉन्स्टेंट होना चाहिए, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड नॉट चेंज. That means string must be inextensible. So this condition is coming because string is inextensible in nature. और जब कभी आपसे ऐसा बोलेगा कि string extensible है, तो क्या v1 v2 बराबर होंगे, is guaranteed है, नहीं. Then they can be different, क्योंकि dl by dt की value कुछ आ सकती है. आप चाहो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो अपने को मिलेगा डी वी वन बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी टू बाई डी टी विच विल बेसिकली से ए वन इज इक्वल टू ए टू. दैट मीन्स दोनों के एक्सेलरेशन भी आइडेंटिकल होंगे, और ये हम अपने कॉमन सेंस से यूज करते रहते हैं. तो उसको मैंने डीप पे जा करके एक्सप्लेन किया, और ये एक्सटेंशन हम लोग कर सकते हैं कहीं पर भी, जहाँ पर भी अपने को ज़रूरत पड़ेगी, और कंडीशन को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं. आपने कुछ लिखा है, विल दिस अप्लाई टू नॉन इनर्स. अभी हम लोग फ्रेम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी आप ये मान के चलो जो भी फ्रेम्स हैं वो हमारे लिए इनर्शियल फ्रेम ही हैं, और इनर्शियल क्या होता है अभी वो भी आपको एक्सप्लेन करना है.
जो भी चेंजेस आएंगे फ्रेम्स को लेकर के उसको हम लोग डील करेंगे. सो यू कैन अप्लाई दिस ऑलवेज. जब भी कभी आपको नजर आती है ना, आप फोर्स लिखोगे, आई मीन लाइक यहाँ पे तो आपने कुछ लिखा भी नहीं, यहाँ पे तो सिंपली पोजीशंस लिखी और कंस्टेंट पकड़ा और कंस्टेंट के हिसाब से आपने आंसर दे दिया. तो ये फ्रेम से इंडिपेंडेंट रहेगा, चाहे वो इनर्शियल हो या फिर नॉन इनर्शियल हो. अब इसी को इतना सारा करने की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी निकाल लेते हैं. व्हाट इज द शॉर्टकट जो अभी हमने लर्न किया, उसको भी अप्लाई करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं. शॉर्ट में मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और मेथड. व्हाट आई सेड कि आप ऐसा करो, समेशन टी डॉट वी को जीरो क्लेम कर दो. अब अपने पास टी दिखाना पड़ेगा. एम टू पर जो एम वन पर जो टी लगेगा वो इधर लगेगा, और एम टू पर जो टी एक्ट करेगा वो इस तरह से एक्ट करेगा. अब आप फर्स्ट का टी डॉट वी कीजिए. जब आप फर्स्ट का टी डॉट वी करेंगे तो आपको लिखना होगा टी इंटू वी वन इंटू कॉस 180 प्लस सेकेंड के साथ टी डॉट वी कीजिए. डॉट प्रोडक्ट तो फर्स्ट का वेक्टर टी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कॉस, उनके बीच का एंगल जीरो इक्वल टू जीरो. आप पाओगे ये माइनस टी वी वन बनेगा और ये प्लस टी वी टू बनेगा इक्वल टू जीरो. टी जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि वो टेंशन है, तो ये अपने को अगली लाइन पे बताएगा कि वी वन इज इक्वल टू वी टू. सो यू विल फाइंड कि ये जो अभी आपको बताया कंस्टेंट रिलेशन टेंशन केस में निकालना, ये काफी इफेक्टिव है. शॉर्टकट में अपने को आंसर देता है और करेक्टली आंसर देता है. दूसरा तरीका हमारे पास ये है, हम उनके बीच का लेंथ बेसिकली क्या करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करेंगे बाकी के टर्म में और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. स्ट्रिंग की लेंथ का डिफ्रेंशिएशन जीरो आ जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा, वहां से आंसर मिलेगा. आप चाहो तो ये जो मेथड है, बेसिक मेथड है, इसको हम यहाँ पर भी अप्लाई करके प्रूफ कर सकते हैं कि ए वन और ए टू के बीच में ये रिलेशन चलेगा. और एक एग्जांपल में उसको प्रूफ भी करेंगे, तो आपको वो भी अप्लाई करना आ जाएगा. और अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो. तो पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल में इसको भी यूज कर लेंगे. एक तो एग्जाम्पल में यहाँ पे यूज किया ही है, एक और बार यूज कर लेंगे. तो आपको कंस्टेंट रिलेशन समझना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए. आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं. अब अपना फोकस इसी पर रहेगा, टी डॉट ए और टी डॉट वी. सपोज कर लीजिए आपको ऐसा दिया जाता है, एक मिनट कुछ अच्छा सा बनाते हैं. लेट्स से कि ये एक सीलिंग है एंड फ्रॉम देयर देयर इज पुली कनेक्टेड. इस पुली को आपने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है एंड देयर इज लेट्स से स्ट्रिंग and there's one more string over here. There's one more pulley. Again, there's a string connected like this. There's another pulley. Kuch aisa pulley ek aur hai. And then this is also fixed to the ceiling. और यहाँ पर भी एक ब्लॉक लगा दिया गया. सो अपने पास थ्री ब्लॉक्स हैं. एक ब्लॉक यहाँ पर हैंग कर रहा है, दूसरा यहाँ पर हैंग कर रहा है, तीसरा यहाँ पर हैंग कर रहा है. और आपसे ऐसा बोलते हैं कि लेट्स से इसका नाम M1 है, इसका नाम M2 है, इसका नाम M3 है. फर्दर मोर आपको ये भी पता है कि ये डाउन साइड जाता है, A1 से लेट्स से ऊपर जाता है, A2 से और A3 से ये नीचे जाता है. सो A1, A2, A3 के पहले एरोज अपने को बनाने होते हैं, यहाँ पे बना करके दे दिया है. क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड relation between accelerations, that means A1, A2 and A3.
या फिर दूसरे तरीके से मैं ऐसा दे सकता हूँ आपको, A1 A2 की वैल्यू दे करके A3 के बारे में पूछ सकता हूँ। सो आपको सॉल्व करना है और A1 और A2 के बीच, A1 A2 A3 के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, आपस में किस तरह से कंस्टेंट हैं मोशन करने के लिए, वो अपने को पता करना है। ऑप्शन कुछ हो सकते हैं A1 A+ A2 + A3 इक्वल टू 0 और समथिंग, किसी के साथ 2 किसी के साथ 3 लगा करके दिया जा सकता है। तो आप ट्राई कीजिए और लेट मी नो इफ यू गेट एनी रिलेशन। स्ट्रिंग इज सेम ऐसा आपने पूछा है, आपको देखना होगा कि स्ट्रिंग सेम है या नहीं, वो कुछ बताएगा नहीं। तो आपको ऐसे समझना है कि यहाँ से एक स्ट्रिंग जाती है जो इससे पास होती है, इससे पास होती है, यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है और ये एक तीसरी स्ट्रिंग है, ये एक चौथी स्ट्रिंग है। तो अगर टोटल स्ट्रिंग देखोगे तो इस तरह से आपको कई सारे उसके सेगमेंट्स नजर आएंगे। सबसे बड़ी एक ही स्ट्रिंग है। एक आंसर आया है A1 + 2 A2 - A3 = 0। सो यू जस्ट नीड टू फॉलो द आइडिया। ब्लॉक्स पर टेंशन दिखाना है, फिर टेंशन को एक ही वैल्यू के टर्म में लिखना है, फिर जो फॉर्मूला बताया गया उस फॉर्मूला को यूज करना है। आप पाओगे कि आपके आंसर्स सेम आएंगे और नेक्स्ट आंसर भी सेम आ रहा है, अगला भी सेम आ रहा है। गुड, फाइन। तो इसका मतलब है कि आप उसको समझ पा रहे हो और यूज कर पा रहे हो, इट्स गुड इंडिकेशन। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड, लेट मी एक्सप्लेन। आप ऐसा मान लो कि ये जो बड़ी सी स्ट्रिंग है इसका टेंशन टी है, तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, और ऊपर वाली देखोगे तो टूटी हो जाएगा, इस पर भी टूटी हो जाएगा, नीचे वाली पे देखोगे तो ये भी टूटी हो जाएगा। ये मैंने इतना ज्यादा लिख दिया, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। और फिर आपको टेंशन को हाईलाइट करके देखना है कि टेंशन कैसे दिख रहा है। तो M1 पर टेंशन टी लगेगा ऊपर की तरफ, M2 पर टेंशन 2T लगेगा ऊपर की तरफ, M3 पर टेंशन T लगेगा ऊपर की तरफ। ये टेंशन भी अपने को पता चल गया, यहाँ पर भी टी है, यहाँ 2T दिख रहा है आपको और यहाँ पर भी टी है, क्योंकि सभी का टेंशन टी था इसलिए वो टी आ रहा है। हो गया, अब आपको दोनों वेक्टर्स पता चल रहे हैं और कंस्टेंट रिलेशन के लिए आपको क्या करना होता है, समीशन टी डॉट ई मस्ट बी जीरो। ये तभी वर्क करेगा जब स्ट्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक्स होंगे और या वो सेम सिचुएशन है, तो आप बोलोगे कि अपने को टी डॉट ए परफॉर्म करना है फर्स्ट के लिए, टी डॉट ए परफॉर्म करना है सेकेंड के लिए और टी डॉट ए परफॉर्म करना है थर्ड के लिए। कितने भी ब्लॉक्स क्यों ना हो सभी के लिए आप यूज करोगे और ऐड करके जीरो करोगे, क्योंकि समेशन का मतलब यही होता है, यू मस्ट बी नोइंग कि ये समेशन है। तो हर एक ब्लॉक के लिए आपको ये परफॉर्म करना है, ऐड करना है, फिर जीरो क्लेम करना है। नाउ फर्स्ट के लिए आओ, इसको फर्स्ट माना है तो इसका टी ऊपर है, A1 नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बनेगा माइनस टी इंटू A1। वाई माइनस, क्योंकि कॉस 180 आएगा तो माइनस कर देगा। इधर आते हैं M2 पर, ये भी अपोजिट है तो ये भी माइनस बनाएगा, ये बनेगा माइनस टेंशन विच इज ट्वाइस टी, एक्सेलेरेशन विच इज A2। इस पर देखोगे ये सेम डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो टी आएगा और A3 आएगा इक्वल टू 0। आप देखोगे कि आपको एक ही लाइन, एक या दो लाइन में अपने आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट लाइन में टी डिसअपीयर हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को मिल जा रहा है A1 + 2 A2 - A3 = 0। ये अपना आंसर हो गया, या फिर A1 + 2 A2 = A3 भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो आपकी चॉइस है। दैट मीन्स A1 A2 A3 आपस में इस तरह से लिंक्ड है। अगर वेलोसिटी बोलता है तो V1 V2 V3 भी इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं, वो हम बता सकते हैं। काफी इजी लगेगा और अपना आंसर आ जाएगा। सो ये भी एक कंस्टेंट रिलेशन का एग्जांपल हो गया और हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अगर अपने को टेंशन वगैरह निकालना है तो अब इसका BD लिखेंगे, न्यूटन्स लॉ इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तो थ्री इक्वेशन न्यूटन्स लॉ से आ जाएगी, फोर्थ इक्वेशन ये बनेगी और फोर अननोन होंगे आपके पास। कौन कौन से अननोन होंगे, A1 अननोन है, A2 अननोन है, A3 अननोन है और T अननोन है। सो सॉल्विंग हो जाएगी। ओके, काफी लोगों ने सही आंसर निकाला है और बाकी लोग भी इसको समझ लेते हैं, तो आपसे भी आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ।
अच्छा ये जो हमने A1 A2 A3 एज्यूम किया है ना, वो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से ये प्लस माइनस लेकर के आता है। मैं ऐसा भी कर सकता था A3 को नीचे दिखा सकता था, तो भी आपको इसी रूल के हिसाब से अपना आंसर निकालना है। इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉजिटिव हो कोई नेगेटिव हो। सपोज कर लीजिए M2 या A2 हमारा नेगेटिव आ जाए, जब इसको आप सॉल्व करो और लेट से A2 की वैल्यू आपको -2 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही हुआ जो वेक्टर में होता है। दैट मीन्स ये जो ब्लॉक है ये 2 m/s² से तो जा रहा होगा, लेकिन नीचे नहीं जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। तो उसकी डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं। आपको क्या करना होगा, कई बार वो एक्सेलेरेशन आपको बना करके नहीं देगा, आप अपनी तरफ से अपनी चॉइस के हिसाब से एज्यूम कीजिए। आप दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं लगा सकते तो जो भी सुटेबल लगे वो एज्यूम करना है। अब ऐसा भी नहीं करना है कि M3 को आप इधर मान लो कि ये हमारा A3 इधर जा रहा है, ये इलॉजिकल हो जाएगा। इतना तो पता है ना कि M3 आइदर अपसाइड जाएगा और डाउन साइड जाएगा, सो दो में से कोई भी चूज करोगे तो चलेगा। और उसके बाद जब सॉल्व करके निकालोगे फाइनल आंसर आएगा, वो आपको करेक्ट करके बताएगा कि विच डायरेक्शन आपको अल्टीमेटली रखना है। इस तरह से हम अपना साइन को भी यूज कर सकते हैं और साइन साइन को देख करके हम फाइनली बता सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन किधर जा रहा होगा। हम वेक्टर्स को भी यूज करेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी हम न्यूमेरिकल पूरा सॉल्विंग पे नहीं जा रहे और इसलिए मैंने आपको बताया कि इनका नेगेटिव साइन आएगा तो हम किस तरह से हैंडल करेंगे और फिर ही हम बता पाएंगे। जैसे यहाँ पर कौन ऊपर जा रहा होगा, जैसे आपने क्वेश्चन में पूछा कि M1 इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स और नॉट, सो अगर हमारा A1 पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे M1 नीचे जा रहा है, A2 पॉजिटिव आएगा तो M2 नीचे जा रहा है, A3 पॉजिटिव आएगा तो M3 ऊपर जा रहा है। जो भी नेगेटिव होगा उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सिमिलर टाइप का एग्जांपल एग्जाम में भी आ चुका है, अगर मैं उसको रिकॉल करूँ कुछ ऐसा रहेगा। लेट्स से कि अपने को ऐसा बोलते हैं कि एक ये फ्लैट सरफेस है, इसके बाद एक सर्टेन हाइट पर आपने एक पुली लगा रखी है, एंड लेट्स से कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और एक ब्लॉक है। तो पहले ब्लॉक को बना देता हूं, ब्लॉक आपका मे बी यहां पे रखा हुआ है, एंड यू हैव कनेक्टेड दिस ब्लॉक बाय अ स्ट्रिंग लाइक दिस, एंड देन यू आर पुलिंग लाइक दिस। और ये जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है। लेट्स से कि यहाँ पर भी एक ब्लॉक लगा देते ताकि आपको उस तरह के इश्यूज नम लगे। अभी ये ब्लॉक है, लेट्स कॉल दिस एज M1, लेट्स कॉल दिस एज M2। इन केस थोड़ा सा इसको और इलोंगेट कर देंगे तो अच्छा लगेगा। सपोज कर लीजिए कोई ऐसा बोलता है कि इसको आप इधर लेके जा रहे हो और ये वेलोसिटी v2 है, तो जाहिर सी बात है कि अपने को M1 के बारे में आइडिया लगेगा कि M1 को भी मूव करना पड़ेगा, कंस्टेंट है। अगर M1 को मूव करना पड़ेगा तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि M1 अपना इस डायरेक्शन में जाने वाला है और इसकी वेलोसिटी ये v1 हो जाएगी। अनलेस से ये एंगल थीटा दिया हुआ है। सो कुछ क्वेश्चन में बनाता हूँ। फाइंड v1, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ M1 ब्लॉक व्हेन theta is let's say 37 degree and v2 is 20 m/s. तो किसी ने आपको v2 की वेलोसिटी दे रखी है उस इंस्टेंट पे दे रखी है जिस समय ये थीटा एंगल बन रहा था 37, और v1 कितना रहा होगा ये अपने को पता करना, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है।
सॉल्व कीजिए। आपने कुछ लिखा है यू डिडंट गेट एक्सेलेरेशन और वेलोसिटीज की वैल्यू कई बार आपको देगा और कई बार अपने को एज्यूम करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे और अगर पॉजिटिव आता है तो जो एजम्पशन है वो करेक्ट है, नेगेटिव आता है तो फिर बदल लेंगे। अगर वो देगा तो फिर आपको करेक्ट वैल्यूज देगा तो फिर पॉजिटिव ही आएगा। ओके, इसको सॉल्व करके अपने को वी वन चाहिए, वी टू और थीटा दोनों पता है। सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड एक आंसर आ रहा है। ओके, सपोर्ट भी हो रहा है। सो अपने को कैसे सॉल्व करना है, कंस्टेंट है वी वन और वी टू, दो की वेलोसिटीज का रिलेशन मिल जाएगा तो एक पता है दूसरा पता चल जाएगा। हाउ टू डील द कंस्टेंट्स, यू नो दैट कि अपने को टेंशन दिखाना पड़ेगा। लेट सिस्टम का टेंशन टी है तो यहाँ पर टी एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर भी टी एक्ट कर रहा होगा। और अगर इसका नाम टी देते हो तो इसका भी नाम टी दे सकते हो। बस अपने को ये दो ब्लॉक्स देखने हैं, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है खास फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलोगे कंस्टेंट रिलेशन में टी डॉट वी की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, मीन्स आपको ये बोलना है कि टी डॉट वी फर्स्ट के लिए अगर अप्लाई करें और टी डॉट वी सेकेंड के लिए अप्लाई करें, दोनों को एडअप करते हैं तो हमारा आंसर नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ फर्स्ट के लिए देखते हैं, टी और वी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, इसलिए कॉस जीरो आएगा, वन हो जाएगा, तो टी वी वन हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं तो सेकेंड में टी का मैग्नीट्यूड टी है, वी का मैग्नीट्यूड वी टू है, कॉस उनके बीच का एंगल लगेगा, उनके बीच का एंगल ये गिरेगा तो यह आएगा 180 माइनस थीटा इक्वल टू जीरो। एक बार आपने ये लिखा तो अपना काम बनता, टी अपना डिसअपियर हो जाएगा और अपने को मिलेगा वी वन प्लस जब कॉस 180 माइनस थीटा, आपको पता होगा कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा माइनस वी टू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। मीन्स वॉट मीन्स सिंपल कि वी वन की जो वैल्यू है वो वी टू कॉस थीटा के बराबर है। और अगर आपको यहाँ तक चीजें समझती हैं तो फिर शायद हम लोग आंसर तक भी आ चुके हैं। डू वी नो वी टू, यस दैट इज हाउ मच 20। डू वी नो कॉस थीटा, थीटा इज 37, सो दैट्स गोइंग टू बी 20 डिवाइड बाय कॉस 37। कॉस 37 इज गोइंग टू बी 4/5। एक बार आप इसको प्रॉपरली यूज करोगे तो फिर अपने को मिलेगा ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, आंसर हो गया। So we can find the velocity of one object if another object is given, another object's velocity is given, और अगर वो string से connected होते हैं, वो किसी angle theta पर भी रख सकते हैं, और simple way पर रहेगा, आप इस method को use करके अपना answer बता सकते हो quickly, correctly, और यहाँ से idea भी लगा सकते हो कौन सा fast चल रहा होगा। तो आप देखोगे ये 20 meter per second से जा रहा है तो ये 16 से जा रहा है, इसका मतलब ये तेज चल रहा है और इसको slow चलना है, बता सकते हैं। इसको हम लोग और भी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, कंस्टेंट रिलेशन स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करके, और स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करके डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन है जो मेरे को याद आ रहा है और वो जेई में आया हुआ था, उस समय एडवांस में आया था, अच्छा क्वेश्चन था और शायद आप उसको सॉल्व कर पाओगे इस मेथड को यूज करके, उसको भी ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ उसके बेसिस पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बाकी अब उसको रिलेट करेंगे। मे नॉट बी एग्जैक्टली सेम इन द एग्जाम में आया था, बट आइडिया एग्जैक्टली वैसे ही है। उसने ऐसा बोला था कि लेट से ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं, ये एक वायर है, रिजिड वायर है, एक ये रिजिड वायर है, एंड एक रिंग यहाँ पर है
और ये करेंगे यहाँ पर, ये रिंग्स जो है अगर हम फ्री छोड़ देंगे तो नीचे चले जाएंगे, ड्रॉप कर देंगे। और आपने एक स्ट्रिंग ली हुई है, स्ट्रिंग से इन रिंग्स को रोका हुआ है, यहाँ से स्ट्रिंग कनेक्ट करके इस पर आती है, इसके बाद वो स्ट्रिंग यहाँ पर आती है, तो ये ऐसे कनेक्टेड है। सो स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे फिक्स कर रखा है टॉमोस पॉइंट पर, और यहाँ से स्ट्रिंग इस तरह से, सेम स्ट्रिंग है, इसके अंदर से होकर के निकलती है और इस पर टाइड है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये एंगल आपको बताया गया, लेट्स से एंगल अल्फा, एंड उसने कुछ ऐसा बोला कि इसकी वेलोसिटी लेट्स से डाउनसाइड है और इसकी वेलोसिटी आप डाउनसाइड अपसाइड कहीं भी ले सकते हो। एक इसको हम अपसाइड दिखा देते हैं, या फिर डाउनसाइड ही दिखा देते हैं। वो जैसा वेलोसिटी बताएगा उसके लिए प्लस माइनस बदल जाएगा, बस कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इनको डाउनसाइड दिखा दिया, ये v1 वेलोसिटी से रिंग जा रहा है नीचे और ये v2 वेलोसिटी से नीचे रिंग जा रहा है। आप देखोगे कि ऐसा होना लीस्ट लाइकली है, इसलिए एक दोनों का सम जीरो आएगा, इसका मतलब एक नेगेटिव को बोलेगा। एनीवे आपसे पूछेगा फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड रिलेशन बिटवीन वी वन एंड वी टू, दैट मीन्स दो वेलोसिटीज के बीच में क्या रिलेशन होगा उस समय जिस समय ये एंगल अल्फा बना होगा। ये एग्जाम में आया था, उसने कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, उन ऑप्शंस के बेसिस पर अपने को आंसर करना था। और अगर आपके अभी आता है तो आइदर इन ऑप्शन के फॉर्म में आएगा और मे बी कि आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करवा लेगा। सो फॉर्मेट इज नॉट एन इशू, आप ट्राई कीजिए और इसके बाद मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। V2 cos alpha is equal to V1. Okay. So, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एग्जैक्टली exactly उसी को हम लोग कॉपी करेंगे। अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक रिंग वन है एक रिंग टू है। टेंशन दिखाते हैं, पहला काम करते हैं टेंशन दिखाते हैं। तो केस पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, केस पे टेंशन इधर लग रहा होगा, अब बोलोगे यस। केस पे टेंशन केवल इधर लग रहा होगा, आपको बोलना पड़ेगा यस। इसको टी पकड़ते हैं तो ये भी टी रहा होगा, ये भी टी रहा होगा, सब कुछ आइडियल है। और इसको वन बोल लेते हैं, इसको टू बोल लेते हैं, वी वन वी टू इसीलिए बोल दिया लेट से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कंस्टेंट रिलेशन का है। सो कंस्टेंट रिलेशन आपको बताएगा समेशन ऑफ टी डॉट वी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। This is T dot V अपने को अप्लाई करना है फर्स्ट के लिए, T dot V अप्लाई करना है सेकेंड के लिए और इसको जीरो करना है। आपको वेक्टर्स पता है और कैलकुलस भी पता है, आई मीन जो भी जरूरत है मैथमेटिक्स भी पता है, और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम T1 निकालना चाहेंगे, टेंशन इन द फर्स्ट रिंग। तो फर्स्ट रिंग में एक ये टी लग रहा है, एक ये टी लग रहा है। आप चाहो तो आई कैप जे कैप से यूज कर लो वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, और आप चाहो तो जो भी आपकी चॉइस हो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट वाला भी रूल लगा सकते हो। लेट्स से हमारे लिए आई कैप डायरेक्शन है, ये जे कैप डायरेक्शन है। सो टोटल टेंशन आपको यहाँ पे लिखना है, उसके लिए आपको एक काम करना चाहिए, आपको इस टेंशन के दो कॉम्पोनेंट कर लेना चाहिए। कौन से टेंशन के? जो टेंशन किसी एंगल पे जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो लगने वाला टेंशन है इसके भी दो कंपोनेंट्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एंगल्स वगैरह अपने को पता है तो एंगल्स इज नॉट गोइंग टू बी एन इश्यू। अब देखोगे ये अल्फा था वर्टिकल से तो ये अल्फा रहा होगा एंगल। सो ये जो टेंशन बनेगा वो टी साइन अल्फा बनेगा और नीचे का जो बनेगा वो टी कॉस अल्फा बनेगा। इसका मतलब फर्स्ट में जो टेंशन आ रहा है उसको हम वेक्टर वाइज लिखें तो लिखना पड़ेगा माइनस टी साइन अल्फा आई कैप माइनस टी कॉस अल्फा जे कैप। ये पहला टेंशन हुआ, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है वी वन के साथ में। तो वी वन को वेक्टर वाइज लिखोगे तो माइनस वी वन जे कैप गिरेगा।
तो ये पहला आइटम बना अपना, इसमें कोई भी ऐसी चीज नई नहीं लिखी है जो आप ना समझ पाए। प्लस अब अपने को सेकंड पर आना है। सेकंड पे ऊपर वाला एंगल अल्फा था, तो ये जो ऊपर वाला टेंशन आएगा वो आएगा टी कॉस अल्फा, और जो नीचे वाला आएगा वो टी साइन अल्फा आएगा, और इधर टी है। सो सेकंड के लिए हम लोग लिखने वाले हैं टी साइन अल्फा इन आई कैप प्लस टी कॉस अल्फा इन जे कैप, दैट्स टोटल वेक्टर डॉट v2 को भी नीचे दिखाया गया तो नीचे की तरफ लिख लेते हैं माइनस v2 चेक है, जहां दिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग लेकर जाना, इसको जीरो क्लेम करना। वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस तो क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ही तो है, इसको आगे एक्सपेंड कर देते हैं। आप देखोगे j और j का डॉट होगा वो सर्वाइव करेगा, और i का डॉट j के साथ होता है वो जीरो होता है। तो पहला टर्म जो आपके पास बच रहा है वो प्लस हो जाएगा, टी वी वन हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, एज सिंपल एज एनीथिंग। सेकेंड टर्म के बारे में क्या ख्याल है, जो हम लोग कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक बार मैं थोड़ा सा रीड लेता, कि जो फर्स्ट को हम लोगों ने लिखा था वो केवल इसको लिखा था, ये तो मिस किया ना, तो फर्स्ट के साथ एक और ऐड करना था जो लिखना चाहिए, क्योंकि ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, और ये भी तो कंपोनेंट है। So, वो कंपोनेंट का मतलब है एक टी जे कैप और है, टी जे कैप और है। अब ये कंप्लीट हुआ। सो ये दोनों मिलकर के एक कंपोनेंट को हैंडल कर रहे थे और ये ऑलरेडी था तो मिस हो गया था। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये जो जे कैप है डॉट करके वन बनाएगा, तो माइनस टी वी वन बनेगा, और ये दोनों मिलकर के प्लस का टी वी वन कॉस अल्फा बनाएंगे, और ये आई कैप का डॉट जे कैप के साथ जीरो हो जाएगा। देन आफ्टर सेकेंड वाले टर्म में क्या हुआ, ये फर्स्ट टर्म से निकला था, सेकेंड टर्म में क्या आएगा, जे कैप है तो फिर से जे कैप सर्वाइव करेगा, तो ये बनेगा माइनस टी वी टू कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। आप देखो टी कैंसिल हो गया कॉमन होकर के, तो अपने पास क्या बन रहा है, बच रहा है, सो वी आर गेटिंग लाइक की वी वन इज इक्वल टू वी वन कॉस अल्फा, और एक ही साइड लिखते तो ज्यादा सही लगेगा, तो ये बनेगा माइनस वी वन प्लस वी वन कॉस अल्फा माइनस वी टू कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। नाउ यू कैन टेक दिस वी वन एज ए कॉमन, तो ये बनेगा वन माइनस कॉस अल्फा प्लस वी टू कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, सो ये रिलेशन हो गया। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि वी वन की जो वैल्यू आएगी माइनस वी टू कॉस अल्फा डिवाइड बाई वन माइनस कॉस अल्फा आ जाएगी, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यहाँ से आपको देख करके एक बात और भी पता चलेगी, देखो अल्फा 90 से छोटा एंगल है तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव होगा, तो वी टू और वी वन में एक को तो निगेटिव होना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ नीचे नहीं जा सकते हैं। तो अगर V1 नीचे जा रहा होगा तो V2 को ऊपर जाना पड़ेगा, V2 नीचे जा रहा होगा तो V1 को ऊपर जाना पड़ेगा, तो आंसर अपने आप को खुद ही बताएगा। तो हमारा आंसर ये बनेगा V1 विद ब्रैकेट, और आप ऐसा भी आंसर दे सकते हो, विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस V2 इज इक्वल टू V2 कॉस अल्फा इक्वल टू दिस। ऑप्शन के शायद ऐसा कुछ दिया होता है, इसको अगर कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो तो कुछ ऐसा बन जाएगा सेक अल्फा माइनस वन प्लस वी टू इक्वल टू जीरो, इस तरह से भी लिख सकते हो, तो द वे यू वांट, क्योंकि इसको कॉस अल्फा से डिवाइड करोगे तो ऐसा बन जाएगा। आप लोगों ने जो आंसर दिया था वो दिया था वी वन माइनस वी टू कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो, वी वन माइनस वी टू कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। सब चेक कर लीजिए कि आपने वेक्टर प्रॉपरली नहीं यूज किया था, तो आपको टी वेक्टर यूज करना होता है, वी वेक्टर यूज करना होता है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट यूज करने होते हैं, सभी को सम करना होता है और आंसर तक पहुंच सकते हैं। कोई स्टेप री एक्सप्लेन करना होता है पूछ सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया है तो। ये एग्जाम में IIT के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप कंस्टेंट रिलेशन स्ट्रिंग वाले केस में हैंडल कर पाओगे।
समराइज करना है। देखो क्या, फिर से मैं बोलता हूँ, अपने पास एक ये ऑब्जेक्ट थी, दूसरा ये ऑब्जेक्ट था, तो इस ऑब्जेक्ट पे टेंशन के अंदर लगेगा, तो स्ट्रिंग इसके अंदर से पास हो रही थी, तो नीचे वाली स्ट्रिंग इधर पुल कर रही होगी, ऊपर वाली स्ट्रिंग इधर पुल कर रही होगी। आप जानते हो जहाँ भी स्ट्रिंग होती है तो उधर पुलिंग इफर्ट लगता है, ये टाइड है तो केवल इधर लगेगा। अब ये जो वेक्टर्स थे वो अलग अलग डायरेक्शन में थे, तो हमने आई कैप जे कैप यूज करके उनके कंपोनेंट्स कर लिए। सो वन पर लगने वाला टोटल टेंशन ऊपर की तरफ ये आ गया और इधर भी आ गया, इस पर लगने वाले को ऊपर और हॉरिजॉन्टल कर लिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट में अपने को उनके बीच का एंगल पता करना होता है। सो बेटर है कि उनको आई कैप जे कैप के टर्म में लिखा जाए। सो नेट टेंशन अगर वन पे निकालना चाहते हो, टोटल टेंशन ऑन वन, तो एक तो टी ऊपर लिखना है, टी कॉस अल्फा नीचे लिखना है, और टी साइन अल्फा इधर लिखना है। तो ये टी जे कैप आएगा माइनस टी कॉस अल्फा जे कैप आएगा, और टी साइन अल्फा माइनस आई आएगा। तो टी साइन अल्फा माइनस आई, टी कॉस अल्फा माइनस जे और टी जे। फिर वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन में थी, तो वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सेकेंड को भी वही किया, फिर इनको सिंप्लीफाई किया, फिर टी कॉमन होके कैंसिल हो गया, एक रिलेशन आ गया, वही कंस्टेंट रिलेशन है, उसको रीराइट किया। आप ऐसे लिख सकते हो, वैसे लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। और एक्सप्लेन ये भी किया कि वी वन और वी टू अपोजिट होंगे, दे कैन नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि एक माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस बताएगा कि दे कैन नॉट गो साइमल्टेनियसली डाउन साइड, नाइदर दे कैन, दैट मीन्स दे वन मस्ट बी मूविंग अप, अनदर मस्ट बी मूविंग डाउन। एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा निगेटिव आएगा, तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे डायरेक्शन को इंटरप्रिटेशन करने के टाइम पे। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया, सो अपने को कंस्टेंट का स्ट्रिंग वाला केस काफी समझ में आ गया। इसमें कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए, इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था ये आपने आंसर दिया, कई लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, ये अपने आप में बताते हैं कि आप उसको रिलेट कर पा रहे हो, टी डॉट वी निकाल पा रहे हो। यहाँ पर भी आप आई कैप जे कैप लगा सकते हो, अगर आपको ये इसके कंपोनेंट करने में इशू आ रहा हो, आई मीन लाइक डायरेक्टली लिखने में इशू आ रहा हो, तो आप इसके टी के दो कंपोनेंट कर सकते थे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और ये टी तो था ही था। इसके बाद आप, इससे पहले आपने ये भी क्वेश्चन किया था, इसका भी आप लोगों ने आंसर निकाला, दैट मीन्स यू आर एबल टू रिलेट इट। ये इसका बेसिक वे भी एक्सप्लेन किया मैंने, और डेफिनेशन बताया कंस्टेंट रिलेशन क्या होता है, और ये एग्जाम्पल था जिससे हम लोगों ने आगे प्रोसीड किया था। इसके बाद ऐसा नहीं कि सब जगह स्ट्रिंग ही होगी, कई बार ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि आपको याद होगा एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, या फिर उससे पहले किया था, कि एक ब्लॉक रखा हुआ है ऊपर से, एक और ब्लॉक रखा हुआ है साइड में, और अगर आप पीछे वाले को पुश करते हो तो इसका एक्सेलेरेशन ए वन है, तो इसका एक्सेलेरेशन ए टू, फिर आपने क्लेम किया था ए वन इक्वल टू ए टू किया था क्लेम। ये इसलिए किया था, कॉमन सेंस अगेन हमारा स्ट्रॉन्ग जा रहा था, कॉमन सेंस इसलिए स्ट्रॉन्ग जा रहा था, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों ने देखा है कि अगर एक ब्लॉक को रख करके दूसरे को पुश करते हैं तो दोनों कॉन्टेक्ट पे चलते हैं और बराबर बराबर टाइम पर बराबर डिस्टेंस चलते हैं। ये तो सिंपलेस्ट एग्जांपल हुआ, लेकिन अगर इसमें हम और भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल क्रिएट करते हैं, जैसे कि लेट से एक किस तरह से अपने पास स्फीयर रखा हुआ है, लेट से इंक्लाइंड प्लेन है, या कुछ और यहाँ पे वेज रखा हुआ है, तो और अगर किसी चीज को मूव कराएंगे तो फिर ये किधर जाएगा, या स्फीयर को इसको इसको हम इधर लेके आएंगे तो स्फीयर के ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा। तो पॉइंट इज कि जहाँ पर स्ट्रिंग्स कनेक्टेड नहीं होंगे वहां पर भी तो अपने को कंस्टेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो स्ट्रिंग केस में आप इसको यूज कर सकते हो। नॉन स्ट्रिंग केस में क्या करना होता है, उसमें भी हम लोग कॉमन सेंस को यूज करके कुछ आइडियाज क्रिएट करेंगे, और मोस्टली एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछेगा। तो बाकी जो कंस्टेंट रिलेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, एक दो एग्जाम्पल उसमें भी पिक करेंगे कि ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स रखे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे रखे होते हैं, ये स्फीयर या कोई और बॉडी रखते हैं तो क्या करता है। और फंडामेंटल आइडिया ये, फंडामेंटल आइडिया क्या है जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया गया किया कि पोजीशन मेजर करो, लेंथ मेजर करो, और फिर जो कंस्टेंट आ रहा है उस कंस्टेंट को लिखो, डिफरेंशिएट करो, आंसर मिलता है। ये आपकी लास्ट स्लाइड है जो आप देखना चाह रहे थे, देख लीजिए, और इतना आप रिवाइज करो अच्छे से, कोई डाउट कंसर्न आ रहा हो तो क्विकली आप पूछ सकते हो। इफ थिंग्स आर फाइन वी कैन मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और उस पर भी कंस्टेंट को पढ़ेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे। एक बार कंस्टेंट हो जाएगा तो आगे क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंस्टेंट समझ जाएंगे तो फिर न्यूटन्स लॉ हम कहीं भी लगा सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कंस्टेंट बनाएंगे और इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर सकते हैं।
एंड नेक्स्ट में वी विल गो फॉर द एक फोर्स जो बचा हुआ है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, उसको डीप पे समझेंगे, फिर फ्रेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा. हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं उसमें स्यूडो फोर्स आएगा. सो स्यूडो फोर्सेस विल बी कवर्ड व्हेन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम्स. आपने लिखा दिस वॉन्ट वर्क फॉर स्प्रिंग्स. या इट वॉन्ट वर्क फॉर स्प्रिंग्स बिकॉज स्प्रिंग्स आर नॉट इनएक्सटेंसिबल. क्योंकि आपको स्ट्रिंग में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इनएक्सटेंसिबल नेचर ऑफ द स्ट्रिंग. नो डाउट है. गुड. नेक्स्ट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी. इसके बाद आपका जो नया नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो वर्क एनर्जी एंड पावर आएगा. यस. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. हैव अ गुड टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन. बाय.